नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द स्ट्रक्चर ऑफ एन ए एंड एफ एडीएच टू फर्स्ट द कॉन्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी इन सेल रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द सेल द स्ट्रक्चर ऑफ एनएडीएच एंड एफ एडीएच फर्स्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द सेल टूं अगर सिंपल वर्ड्स में आपको पहले समझाऊ कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है किस तरह से जहाँ वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एनर्जी का जो मेन सोर्स है दैट इज दन सन।, सन से जो एनर्जी आती है दैट इज ट्रैप्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो उसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ट्रैप कर लिया जाता है अब जब ये कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो इन कार्बोहाइड्रेट्स के केमिकल बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी है दैट इज एक्चुअली यूटिलाइज फॉर देंथिस मालिक्यूल्स और फिर वो ए हम क्या करते हैं यूटिलाईज करते हैं यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी सेल्स हैं या जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी है वो उनके बॉन्ड्स के अंदर ट्रैप फॉर्म में है तो यही बॉन्ड्स जब ब्रेक करेंगे तो उससे फिर क्या होगा कि ए जब वो जब सेंथिसाइज की लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड्स जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स के बॉन्ड के बॉन्ड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे कार्बन कार्बन बाइंड बाड है कार्बन सल्फर बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है लिविंग ऑर्गेजम्स कैन हार्वेस्ट एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच बॉन्ड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी है उसको हमारे सेल्स हार्वेस्ट कर सकते हैं अब जो एनर्जी हार्वेस्ट की जाती है अगर आप उसको थोड़ा सा देखें तो ग्लाइकोलिस के तुरंत सिर्फ दो एटीपी मालिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं इसे जब क्रेब साइकिल चलता है तो एक क्रेब साइकिल में एक एटीपी है तो दो क्रेब साइकिल में दो ए होगी तो टोटल फोर ए ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमारे सेल को मिल रहे हैं और 36 सिक्स ग्लूकोज से टोटल ए टीपी मिल रहे हैं फोर डायरेक्टली मिल गए हैं तो इसका मतलब थर्टी टू ऐसे ए हैं जो डायरेक्ट नहीं मिलते हैं बल्कि वो एनर्जी जो 32 टू ए को सैनिसाइज कराने के लिए चाहिए दैट इज प्रेजेंट इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी विच वी ऑबटेन फ्राम द न्यूट्रिय प्रेजेंट इन द ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब सेल्स के अंदर मूव करते हैं ट्रांसफर होते हैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में तो फिर इनकी मूवमेंट के दौरान इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हार्वेस्ट किया जाता है तो इन सिंपल वर्ड्स मैं अगर मैं यू कहूं कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन द सेल इज एक्चुअली हार्वेस्टेड फ्रॉम द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से एनर्जी हार्वेस्ट की जाती है अब इलेक्ट्रॉन जो हैं अब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं डेफिनेटली कुछ मालिक्यूल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ मालिक्यूल वो है जो इलेक्ट्रॉन को आगे क्या करेंगे ट्रांसफर करते हैं तो इसका मतलब यह हो कि एक मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन वो आगे फिर दूसरे मालिक्यूल को डोनेट कर रहा है वो मालिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा दैट इज एक्चुअली कॉल द रिड्यूस्ड मालिक्यूल उसकी क्या हो गई है रिडक्शन हो गई है और वो मालिक्यूल जो आगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है उसको हम क्या कहेंगे ऑक्सीडाइज हो गया यानी हमारे पास दो मालिक्यूल्स हैं एक मालिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है यह अभी रिड्यूस फॉर्म में है जैसे ही ये अगले मालिक्यूल को इलेक्ट्रॉन देगा जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा और जिसे डोनेट किया वो ऑक्सीडाइज हो गया अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बड़ा इकट्ठी हो रही होती है इसलिए हम इसको कंबाल रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब यह कि एक मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन और दूसरे मालिक्यूल की रिडक्शन है अच्छा रिडॉक्स प्रोसेस के दौरान एक्चुअल जो काम हो रहा है वो है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान एटीपी जो है उसको या एनर्जी जो है बेसिकली एनर्जी हार्वेस्ट की जाएगी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अभी जैसे मैंने कहा कि एक मालिक्यूल जो वो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे मालिक्यूल को ट्रांसफर कर सकता है अब सेल्स के अंदर हर मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की एबिलिटी नहीं रखता है लेकिन चंद एक मालिक्यूल हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है इवन कुछ मेटल आयंस हैं या कुछ प्रोटीन्स है जिनके पास है ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर कैपेसिटी मौजूद है लेकिन जो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग जो ग्रुप्स हैं या कह सकते हैं कि मालिक्यूल्स हैं देर द एन एंड द एफ एडीएच टू मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन्स जो यानी जैसे हम ग्लूकोस ले रहे हैं तो ग्लूकोस के अंदर जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनएडीएच और एफ के पास जाएंगे और फिर वो आगे ए टीपी के प्रोडक्शन में उसको यूटिलाइज किया जाएगा वट इज द एनए एनएडीएच का पूरा नाम है निकोटीनामाइड इसमें डाइनिक्लोटाइड है और इसके साथ निकोटीनामाइड ग्रुप अटैच है तो एनएडी में जो निकोटीनामाइड ग्रुप है इसके पास ये क्वालिटी है कि इट कैन एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। और फिर ये दो इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट भी कर सकता है तो जब एनएडीएच के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर अगर हम देखें जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे एन ए डी होगा ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा ये निकोटिनाइट उसको हम कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन जब अटैच हो होंगे तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन भी एड होगा तो इसे एन ए डी एच बन जाएगा तो एन ए डी एच इज एक्चुअली द रिड्यूस्ड फॉर्म आप डायग्राम में देख रहे हैं जो ये इसके एक साइड के शुरू की जो है वो बेसिकली एनएडी है एनएडी के पास जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अगर आप इसको नीचे देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जब भी हम एनएडी लिखते हैं तो एनएडी के ऊपर हम प्लस का साइन डालते हैं यानी इट इज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है एनएडी को जब दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कहां से मिलेंगे फ्रॉम ग्लूकोस ग्लूकोस से ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस मिलते हैं या ड्यूरिंग साइकिल मिलते हैं तो जैसे दो इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आइन को साथ मिलाकर ये एनएडीएच में कन्वर्ट हो जाता है एनएडीएच इज एक्चुअली द रिड्यूस्ड फॉर्म सेकेंड वन इज द एफ एडीएच टू एफ एडीएच टू भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो सेल्स के अंदर जो है वो ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है एफ एडीएच स्टैंड फॉर फ्लेवन एडीन डाई न्यूक्लियोटाइड यानी एनएडी में निकोटीनामाइट ग्रुप है तो यहाँ फ्लेवन ग्रुप है एनएडी की तरह यहां भी एफ एडी जो है ये दो फॉर्म में पाया जाता है वेन इट इज इन ऑक्सीडाइज फॉर्म इट इज सिंपली एफ एडी वे इट इज रिड्यूस्ड फॉर्म इट इज एफ एडीएच टू अगर हम इस को थोड़ा सा और से देखें तो एफ ऊपर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है इसलिए लिखा जाता है पॉजिटिव का साइन नहीं होता है इट विली एच टू डि रिड्यूस्ड फॉर्म ये टू आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब जाएगा तो ये अपने एनएडीएच टू एनएडीएच और एफएडीएच टू ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले कर देते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है जो बाद में ए के में यूटिलाइज हो जाएगी